हद इतनी करो कि हद की इंतहा हो जाए, कामयाबी इस तरह मिले कि वो भी एक दास्तां हो जाए। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अब थोड़ा थोड़ा कॉमर्शियल के सेक्शन की तरफ भी बढ़ते चलेंगे। एक साइड से एडवांस, दूसरे साइड से कॉमर्शियल, बार बार चर्चा आ रही थी कि टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, तो प्रयास कर रहे हैं कि बारी बारी से एक एक फेज को समेटते चलते हैं। पहले टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस की भी बारी होगी, तो रेलवे को भी ध्यान में रख के चल रहे हैं, अन्य एग्जाम के पर्पज से भी जरूरी है, तो दोनों फेज को ध्यान में रख के बारी बारी से एक एक पार्ट को लेके बढ़ते चलते हैं। पहले टाइम एंड वर्क, बस एक लाइन में सिर्फ अरेंजमेंट क्लियर करते चलिए तो पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क वन लीनियर पार्ट है। फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी के, समय कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर समानुपाती नियतांक को k कहें तो लिखा जा सकता है t इक्वल टू k डिवाइडेड बाय e। मतलब अगर इसको इस साइड कर ले तो लिख सकते हैं टाइम इनटू इफिशियंसी इक्वल टू के एक कांस्टेंट वर्क। मतलब ये हुआ कि कहीं भी समय और कार्य क्षमता का गुणनफल हमेशा एक कांस्टेंट वर्क देगा, और इसी को ग्राउंड बना के पूरे टाइम एंड वर्क को समेटने का प्रयास करेंगे। बारी बारी से फेज को उठाते चलेंगे, बेसिक से लेके जीरो लेवल से आगे धीरे धीरे करके बढ़ाते चलेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ इतना, उसमें भी ये क्या है नहीं है उसको छोड़ते चलिए, बस इतना कि कहीं भी होगा टाइम और इफिशियंसी का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट वर्क देगा। तो बढ़ते हैं बारी बारी से टाइम एंड वर्क के अटेम्प्ट की तरफ। शुरुआत कर रहे हैं, सीधा प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। पूरे टाइम एंड वर्क को डील करने के लिए बस दो लाइन, एक टाइम का जरूरत है, एक इफिशियंसी का जरूरत है, कार्य क्षमता का जरूरत है। बस आप पूरे टाइम एंड वर्क में शुरू से अंत तक एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का बनाते चले जाइए। तो बेसिक फेज में पहला पार्ट लिख रहे हैं, बेसिक एग्जांपल, जैसे कह दिया ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 20, 30, 40 दिन में कर सकता है। अब इसके बाद जो मर्जी हो सवाल पूछ दे। सवाल आ सकता है कि ये भी मिलकर कितने समय में करेगा, सवाल आ सकता है बीसी मिलकर कितने समय में करेगा, सवाल आ सकता है सीए मिलकर कितने समय में करेगा, सवाल आ सकता है ए बी सी तीनों मिलकर कितने समय में करेगा। बस इतना करते जाना, एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का, जो भी समय दिया हुआ हो नाम पता के साथ लिखते चले जाइए। जैसे कह रहे हैं एक है, बी है और सी है, इस तीन का समय दे दिया तो एक रो टाइम का बनाए, ए बी सी क्रमशः 20, 30, 40 दिन में कर सकता है। अब बारी है क्षमता की। क्षमता निकालने के लिए टाइम का उल्टा होता है, निकालने के लिए सबका एलसीएम, टाइम सबका 20, 30, 40 का एलसीएम 120, और बारी बारी से टाइम से भाग देते चले जाइए। 120 में 20 से भाग दिए तो 6, 120 में 30 से भाग दिए 4, 120 में 40 से भाग दिए 3। मतलब अलग अलग क्षमता, ए का 6, बी का 4, सी का 3 क्षमता हो गया। अब जो मर्जी हो सवाल पूछ दे, पूछ सकता है ए बी मिलकर कितने समय में करेगा, तो जो सवाल पूछे वो भी लिख दीजिए। पूछ सकता है बी सी मिलकर कितने समय में करेगा,
पूछ सकता है सीए मिलकर कितने समय में करेगा, पूछ सकता है ए बी सी तीनों मिलकर कितने समय में करेगा, जो मर्जी हो सवाल पूछ दे। अब बस आपको इतना करना, कहे कहीं भी टाइम और इफिशियंसी का गुणनफल हमेशा बराबर होता है, चाहे 20 को 6 से गुना करें तो 120, 30 को 4 से तो 120, 40 को 3 से तो 120, तो हर जगह टाइम और इफिशियंसी का गुणनफल बराबर होगा। अब आपसे जैसे पूछा कि ए बी मिलकर कितने समय में करेगा, तो ए का क्षमता 6 है, बी का क्षमता 4 है, तो ए अब बी मिलेगा तो क्षमता को मिला दीजिए, 6 और 4 मिलके कितना क्षमता, तो 10। अब कितने समय में करेगा, तो टोटल काम आपके पास है 120, 120 में 10 से भाग दे दीजिए, यही इसका समय हो गया, 120 बटा 10 मतलब 12 दिन में करेगा। कह दिया बीसी मिलकर कितने समय में करेगा, तो बी का क्षमता 4, सी का 3, तो 4 और 3 मिला तो क्षमता 7, काम 120 फिक्स ही है तो 120 में 7 से भाग। कह दिया सीए मिलकर, तो सी का क्षमता 3, ए का क्षमता 6, तो 6 और 3 मिलके 9, काम है 120 तो 120 में 9 से भाग। कह दिया एबीसी मिलकर कितने समय में, एबीसी मिला तो 6 4 10, 10 3 13, मिलके क्षमता 13, काम है 120 तो 120 में 13 से भाग। हाँ, वनडे में कोई एक ही सवाल पूछा जाएगा, सब सवाल एक साथ नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ भी दे, आप पहले क्षमता निकाल लीजिए और पूरे टाइम एंड वर्क की चर्चा कर रहे हैं, बस यही दो रो, वो 1/20 या 1/30 का समय चला गया है, वनडे में पर्याप्त प्रयोग कर रहा है, और जब तक टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं होगा वनडे का फेज मेंटेन करना शायद पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बदलते चलते हैं। तो कहीं भी पूरा एक टाइम सबका एलसीएम जो दिया उसका एलसीएम भाग देते चले गए, तो क्षमता जिससे करवा रहा हो उसको भी नाम पता के साथ लिखिए, उसका क्षमता मिला के लिख दीजिए और टोटल काम में भाग देते चले जाइए, बेसिक फेज इतना ही करना है। एक आध और बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कह दिया ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करता है, फिर कह दिया ए अकेला कार्य 30 दिन में करता है। अब सवाल एक ही बच रहा है, ए बी मिलकर दे ही दिया, ए अकेला 30 दिन में, तो बी अकेला करेगा तो कितना समय लेगा। कहे बस इतना करते जाना कि जो भी नाम पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का। तो ऐसा करते, पहले दिया ए बी मिलकर कितना दिन, तो 20 लिख दिए एक रो टाइम का बना के, ए अकेला करेगा तो काम करेगा 30 दिन में लिख दिए, पूछ दिया कि बी अकेला कितने समय में करेगा। अब बारी है पहले क्षमता, एलसीएम हुआ 60, 20 से भाग दिए तो 3, 30 से भाग दिए तो 2। अब आपको बी का क्षमता निकालना है, बस देखिए ए बी दोनों मिलकर 3 काम करता है, जबकि ए उसमें से 2 काम करेगा, तो जब ए बी मिलके 3 काम और ए करेगा 2 काम, तो बी कितना, 1 काम करेगा, तो काम हो गया 1, और टोटल काम है कितना, तो 60, तो 60 में 1 से भाग तो कितना समय, तो 60 दिन। ये बेसिक है, एक और एग्जांपल बेसिक में लेके चलते हैं, कभी फ्रैक्शनल फेज का भी यूज कर सकता है, कभी थोड़ा फ्रैक्शन का यूज कर देता है, जैसे लिख दिया ए 1/3 काम 10 दिन में, बी 50% काम 10 दिन में करता है, फिर कुछ भी सवाल जो मर्जी हो पूछ दे कि अभी मिलकर पूरा काम कितने समय में करेगा, या हो सकता है आधा ही काम करवाए, हो सकता है 2 गुना काम करवा दे। आप एक रो हमेशा कहते हैं टाइम का, एक रो इफिशियंसी का बनाते चले जाइए, लेकिन इसका ख्याल रख के बनाइए कि हमेशा टाइम के रो में संपूर्ण समय लिखते हैं।
यहां जबकि दिया 1/3 काम 10 दिन, तो जब 1/3 काम 10 दिन तो पूरा काम कितना, 3 से इधर गुना तो 30 दिन, तो एक करेगा कितने दिन में, 30 दिन में। बी कहा 50%, भिन्न में लिखते तो 50% का मतलब हुआ 1/2, 1/2 काम 10 दिन तो पूरा काम कितना तो 20 दिन। अब ये सवाल कर दिया कि ये भी मिलकर कितने समय में, तो फिर वही कहानी कि यहाँ क्षमता एलसीएम 60, 30 से भाग तो 2, 20 से भाग तो 3, मिलेगा तो क्षमता 5, काम था 60, 60 में 5 से भाग तो 12 दिन। अब जरूरी नहीं है कि पूछेगा कि ये भी मिलकर कितने दिन में करेगा, हो सकता है पूछ दे कि ये भी आधा काम करे तब कितना समय लेगा, तो ये तो पता है कि ये भी पूरा काम करेगा कितने में तो 12 दिन, तो जब आधा करना होगा तो समय भी आधा लगेगा 6 दिन। कभी कह देता है कि ये भी मिलके उससे दोगुना काम कितने समय में करेगा, तो ये भी मिलके उस काम को करेगा 12 दिन, तो डबल काम होगा तो 12 का डबल 24 दिन। तो बेसिक फेज से बारी बारी से क्रम को बढ़ाते चलते हैं, लेवल धीरे धीरे और कैटेगरी को बदलते चलते हैं, कहे पूरे टाइम एंड वर्क में शुरू से अंत तक 1 रो टाइम का, 1 रो इफिशियंसी का, और कहीं भी टाइम और इफिशियंसी का गुणनफल एक कांस्टेंट वर्क देता है, लेके बढ़ते चलेंगे क्रम। तो कैटेगरी 1 जिसमें चर्चा की है कि ए कुछ दिन में, बी कुछ दिन में, सी कुछ दिन में, तो ए बी मिलकर, बी सी मिलकर, सी ए मिलकर कितने दिन में करेगा। कैटेगरी 2 इसमें चर्चा कर रहे हैं कि कभी क्षमता ही दे देता है समय ना दे करके, उसके जगह पर क्षमता का चर्चा कर देता है। जैसे कह दिया ए की क्षमता बी की दूनी है, दोनों मिलकर, दूनी डबल दोगुनी, दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो अब रहने दीजिए, कोई भी सवाल पूछ दे कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, कहे पूरे टाइम एंड वर्क में नाम पता के साथ 1 रो टाइम का, 2 रो इफिशियंसी का। लिख देते हैं ए है, बी है, ए बी मिलकर है, नाम पता 1 रो टाइम का, 1 रो क्षमता का। अब समय ना दे करके क्षमता का ही चर्चा किया कि ए की क्षमता बी की दूनी है, तो बी का डबल है ए का क्षमता, तो मान लिए बी का अगर क्षमता 1 है तो ए का क्षमता कहा 2 है, और एक जगह टाइम चर्चा किया कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम करता है 20 दिन में, और अगर दोनों मिलेगा तो क्षमता कहाँ पहुंचेगा, इसका 2 इसका 1, तो मिल गया तो क्षमता पहुंच गया 3 पे। अब कहे कहीं भी टाइम और इफिशियंसी का गुणनफल कांस्टेंट वर्क देता है, तो 20 ये 3 से गुना तो 20 गुना 3 60, तो काम हो गया 60। अब ए करेगा तो 60 में 2 से भाग दे दिए तो 30 दिन, बी करेगा तो 60 में 1 से भाग दे दिए तो 60 दिन। यही है बेसिक फेज में, जब टाइप 2 में आए तो कहे कि क्षमता का ही चर्चा कर देता है, तो क्षमता के लिए जो क्षमता दिया वही रेशियो सजा लीजिए, फिर जो पूछ रहा हो उसको लिखते चले जाना। कभी कह देता है जैसे ए बी से 3 गुना समय लेता है, ए बी मिलकर कार्य 10 दिन में करता है, तो अब जो पूछ दे कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, तो अब क्षमता ना लिख के लिखा टाइम का रिलेशन लिखा, 1 रो टाइम का, 1 रो क्षमता का, ए भी मिलकर कहा 10 दिन में। अब ये जो लिखा है, लिखा ए बी से 3 गुना समय लेता है, तो समय का चर्चा किया है कि बी अगर 1 लेता है तो ये समय लेता है 3,
तो टाइम इसका तीन है, इसका एक, तो क्षमता उसका उल्टा, यहाँ क्षमता एक और यहाँ क्षमता तीन। अब फिर वही कहानी, मिलेगा तो क्षमता तीन एक चार, काम हो गया 40, पूछ दिया ये कितने दिन में, तो 40/1 तो 40 दिन, बी कितना दिन, तो 40/3 दिन। तो यही करते चले जाना, तो कभी टाइम देगा, कभी टाइम ना दे करके उसके जगह क्षमता का ही चर्चा कर दे। तो क्षमता के रो में क्षमता को लिखते जाइए एफिशिएंसी के लाइन में, ये टाइप 2 जब क्षमता का ही चर्चा कर रहा हो। कैटेगरी 3, इसमें चर्चा कर रहे हैं मजदूरी का बंटवारा। कोई भी काम हो रहा है तो वहां पर मजदूरी का बंटवारा, 2 कैटेगरी में मजदूरी बंटता है। अगर मिलके काम किया तो मजदूरी बढ़ता है कार्य क्षमता के रेशियो में, और अगर अलग अलग समय तक काम किया तो जो जितना काम करेगा उसको उतनी मजदूरी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं, जैसे कह दिया ABC क्रमशः किसी कार्य को 20, 30, 40 दिन में कर सकता है, तीनों ने मिलकर कार्य किया तो 2600 रुपया के कुल मजदूरी में। अब जिसका मर्जी हो हिस्सा पूछ दे, मर्जी हो ए का हिस्सा, मर्जी हो बी का हिस्सा, मर्जी हो सी का हिस्सा, आपको पूरे टाइम एंड वर्क में एक ही कहानी कहे, 1 रो टाइम का, 1 रो क्षमता का, ए है, बी है, सी है। काम को कर सकता है क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में, ये टाइम का रो। अब क्षमता, सबका LCM 120, 20 से भाग 6, 30 से 4, 40 से 3। और अभी चर्चा किए कि मजदूरी 2 डिजाइन में बंटता है। अगर काम को सबने मिलके समाप्त कर दिया हो तो मजदूरी कार्य क्षमता के रेशियो में, अभी कहा है तीनों ने मिलकर कार्य किया तो मजदूरी क्षमता के रेशियो में, तो 6, 4, 3 के रेशियो में ये 2600 रुपया बटेगा, बांटिए 6, 4, 10, 3, 13 / 2600, तो 1/200। अब 6 × 2 = 1200, 4 × 2 = 800, 3 × 3 = 600। तो मजदूरी का बंटवारा, ए को मिला 1200, बी को 800, सी को 600। ये बंटवारा वो बंटवारा है जब सब मिलके काम को संपन्न कर दे। जरूरी नहीं है कि सबने मिलके ही काम किया, हो सकता है कि ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया, सी ने 10 दिन किया, तब किसको कितना मिलेगा। बस यही 2 डिजाइन है, या तो काम मिलके करेगा और अगर मिलके किया तो मजदूरी बटेगा क्षमता के रेशियो में, और अगर अलग अलग समय तक काम किया तो मजदूरी काम के रेशियो में बंटवारा होगा। तो एक एग्जाम्पल, जब अलग अलग समय तक काम करे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मजदूरी के बंटवारा में से लेते हैं कि जब अलग अलग समय काम करे। जैसे लिख दिया ABC क्रमशः किसी कार्य को कुछ कुछ दिन 20, 30, 40 दिन में कर सकता है, ए ने 10 दिन, बी ने 6 दिन काम किया, शेष काम सी ने किया, 1200 की मजदूरी में सी का हिस्सा बताइए। अब ऐसा नहीं है कि सबने मिलके काम किया, इसमें अलग अलग समय काम किया, ए ने 10 दिन किया, बी ने 6 दिन किया, अब बाकी जो काम बचा उसको सी ने किया, और तब पूछ रहा है किसी का हिस्सा बतलाइए, कुछ रुपया बांटना है। आपको पूरे टाइम एंड वर्क में बस इतना ही कहे कि 1 रो टाइम का, 1 रो क्षमता का बना लीजिए, ए 20, बी 30, सी 40, ये टाइम
एलसीएम 120 क्षमता 6, 4, 3 120 में 20 से भाग 6। अब इस क्षमता का एक्चुअल मतलब ये होता है कि टोटल काम अगर 120 है तो ए अगर करेगा तो एक दिन में 6 काम, बी करेगा 4 काम, सी करेगा 3 काम। अब कहा है ए ने 10 दिन काम किया तो ए रोज करता है 6-6 काम, तो 10 दिन करेगा तो 10 गुना 6 कितना, 60 काम ए ने किया। बी के बारे में कह रहा है बी ने 6 दिन किया तो 4-4 काम करता है, 6 दिन करेगा तो कितना, 24 काम। काम खत्म हो गया कितना, 84। अब काम बचा कितना, तो 36। टोटल 120 था तो 84 खत्म, तो 36 काम। अब उस काम को करना है सी को, तो सी काम कितना करेगा, तो 36 काम करना है सी को। तो मजदूरी अलग अलग समय काम करेगा, तो ए ने 60 काम किया, बी ने 24 काम, शेष काम सी, तो शेष काम 36, और मजदूरी इसी रेशियो में बटेगा। हाँ, यही अगले कैटेगरी में आएंगे तो ये भी एक सवाल होता है कि शेष काम को सी कितने समय में करेगा। तो शेष काम है कितना, 36। सी करता डेली कितना है, 3-3, तो 3-3 काम करने में, 3-3 काम रोज करेगा और 36 काम करना है तो कितना दिन, तो शेष काम 12 दिन। 3-3 काम रोज या 36 काम करना, तो 36 में 3 से भाग तो 12 दिन। तो अभी फिलहाल मजदूरी बांटना है, तो मजदूरी कितना, तो 1200 है, बांटिए। और कॉमन है कट जाएगा 12 से 5, 12 से 2, 12 से 3। ये 10 भाग 1200, तो 1 भाग 120। अब इसके हिस्से तो 360, फिलहाल यही पूछा है। इसके हिस्से पूछता तो 12 गुना 2, 24। इसके हिस्से तो 12 गुना 5, 600। तो किसको कितना मजदूरी मिला, इसको निकालना। तो मजदूरी बंटवारा मात्र दो कैटेगरी, एक या तो दोनों मिलके, या तीनों है तो तीनों मिलके करेगा। मिलके किया तो क्षमता के रेशियो में, और अगर अलग अलग समय काम किया तो जो जितना काम करेगा उसको उतनी मजदूरी मिलेगी। यही है मजदूरी का बंटवारा। कैटेगरी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते चल रहे हैं क्रम को। तीन कैटेगरी का चर्चा अभी तक किए, बारी बारी से फेज को बढ़ाते चलते हैं। बस शुरू से अंत तक कैटेगरी बदलेगा, करना बस इतना ही है कि एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का बनाते चले जाइए। पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क में, इसके सिवाय किसी भी लाइन को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा फेज समाप्त होगा। हाँ, अभी उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वीडियो जब रिलीज करेंगे, एसएससी का एग्जाम जब करीब होगा तो उसके पर्पज से रिलीज करेंगे, तो लेवल बढ़ता चला जाएगा। रेलवे का लेवल थोड़ा सा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एसएससी मेंस के लेवल से कुछ कमजोर लेवल रहता है, तो बस फर्क इतना होगा कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्वेश्चन का बढ़ता चला जाएगा। जैसे अभी लेवल 1 का हर फेज में कमर्शियल में चर्चा कर रहे हैं, फिर उसके बाद लेवल 2 पर आएंगे, लेवल 3 पर आएंगे, और जितना प्रयोग आप करना चाहते हो उससे कहीं आगे कैट लेवल का भी प्रयोग करेंगे, और जो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और क्या प्रयोग कर सकता है उधर भी चलेंगे। तो पहले ग्राउंड, ग्राउंड के बाद स्टेप बाय स्टेप हर दिशा में बढ़ते चलेंगे, क्रम बढ़ाते। नेक्स्ट कैटेगरी इसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ABBCCA का कॉम्बिनेशन, ABBCCA का कॉम्बिनेशन ये आपका चौथा पार्ट हो जाएगा। बेसिक में अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक दौर में है, कैटेगरी बदलता चला जाएगा। करना बस शुरू से अंत तक एक ही है, एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का, इसके सिवाय किसी फेज का चर्चा नहीं करेंगे। जैसे लिख दिया ए बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, बी सी मिलकर 40 दिन में, सी ए मिलकर 60 दिन में करता है। अब दो 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 को मिला के दिया कि ए बी मिलकर कुछ दिन, बी सी मिलकर कुछ दिन, सी ए मिलकर कुछ दिन में करता है। फिर वही सब सवाल कि कुछ भी पूछ दे कि तीनों मिलकर कितने दिन में, अकेला ए कितने दिन में, अकेला बी कितने दिन में, अकेला सी कितने दिन में।
पूरे टाइम एंड वर्क में बस इतना कहे, एक रो टाइम का नाम पता के साथ, तो ए बी कहा है 30 दिन तो लिख दिए, बी सी मिलकर 40 दिन लिख दिए, सी ए मिलकर 60 दिन लिख दिए, ये टाइम का रो, एक रो क्षमता का, एलसीएम आपका 120, 30 से 4, 40 से 3, 60 से 2 क्षमता। अब फिर वही सब, कोई एक सवाल हो सकता है पूछ दे ए बी सी मिलकर, हो सकता है पूछ दे ए अकेला, हो सकता है पूछ दे बी अकेला, हो सकता है पूछ दे सी अकेला कितने समय में करेगा। अब जरा देखिए, अगर ए बी सी निकालना हो, यहां पर अगर मिलाते भी हैं तो ये ए बी है तो सी अकेला कहीं है नहीं, लेकिन अगर सबको मिला दे तो ये तीनों को जोड़ दें तो दो बार ए भी आ जाएगा, दो बार बी भी और दो बार सी भी, मिलाएं तो 4, 3, 7, 2, 9, दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी मिलके क्षमता 9, तो एक एक बार ही रहता तब क्षमता कितना, तो 4.5। दो दो बार ए बी सी मिलके क्षमता 9, तो एक एक बार ही सब रहता तब क्षमता कितना, तो 9 का आधा 4.5। अब फिर वही सारी कहानी। हाँ, थोड़ा सा चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि 4.5 से डिवाइड करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, तो ये तो पता है कि सबको जोड़े तो 9, 9 में 2 से भाग दिए तो पॉइंट में जाएगा, अगर राउंड जैसे 10 आ जाता, 10 में भाग देते 2 से तो आता 5, तो राउंड फिगर है तो छोड़ दीजिए। तो थोड़ा आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। एडिट करने का मतलब ये हुआ कि सबको अगर डबल करके लिख दें कि 8, 6, 4, तो इससे ये क्षमता का रेशियो है, तो रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, काम जरूर बदल जाएगा, काम था आपका पहले 120, तो अब क्षमता को डबल किए तो अब काम भी हो जाएगा, 60 का 4 गुना तो 240। अब कह सबको मिलाते तो 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18 का आधा 9 क्षमता एबीसी का। ए का पूछता क्षमता, तो तीनों एबीसी में से अगर बीसी के क्षमता को हटा देते, मतलब 6 हटा देते, तो 9 में 6 हटता तो क्षमता 3। बी निकालना है तो एसी को इसमें से हटा दिए, एसी का क्षमता 4, तो 4 हट गया तो क्षमता बचा 5। सी का पूछता तो सी निकालना हो तो एबी को हटाएंगे, एबी का क्षमता 8, तो 9 में 8 घटा तो 1। अब काम भी आपके पास है, 30 गुना 8 तो 240, या 40 गुना 6 तो 240। अब जिसको पूछे तो इसका पूछा तो 240 में 9 से भाग, इसका पूछा तो 240 में 3 से भाग, बी पूछा तो 240 में 5 से भाग, सी पूछा तो 240 में 1 से भाग। हाँ, एग्जाम में जब भी चलिएगा तो कोई एक ही सवाल होगा, यहाँ बस ये चर्चा करते हैं कि एक ही लाइन में सब सिमटता चला जाए। वन डे जब भी होगा तो इसके साथ कोई एक सवाल होगा कि ये अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में, या तीनों मिलके कितने दिन में, तो कोई एक सवाल होगा। तो ये था आपका, जब दो 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 को या तीन 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 को मिला के ही दे दिया कि ये भी इतने दिन में, बी सी इतना, सी ए इतना, तब बढ़ने के लिए। एक पार्ट पे ये बेसिक फेज था, लेवल 1 इसको कहें, धीरे धीरे कैटेगरी और लेवल को भी बदलते चलेंगे। पार्ट बाय पार्ट वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो फिर सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में रिलीज करते चलते हैं, ऐसे ही पार्ट 3rd, 4th करते हुए, और उसके बाद हाई लेवल एग्जाम्पल लेते बढ़ते चलेंगे टाइम एंड वर्क में, कि लेवल बढ़ता चलेगा। बस करना शुरू से अंत तक इतना ही है, एक रो टाइम का, एक रो एफिशिएंसी का, बनाते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, तो क्रम ऐसे ही आगे बढ़ाते चलेंगे। दिलजीज प्रतियोगी प्रतिभागियों, आप हमारे YouTube चैनल यूथ्स विजन मैथ्स को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन बटन भी दबा सकते हैं।